आगे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी यही हाल है कि वही रोड है प्रीवियस के पीछे चलता हुआ आ रहा है। देखें यहाँ पे पैदल जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल रास्ता नहीं है, मुझे इस गली में टर्न होना है। मिसाल के तौर पे अगर ये जहाँ से बाइक निकल रही है तो आप देखिए मुझे मैं कैसे जाऊँ। और ये शॉपकीपर है जिस बेचारे की दुकान का जो है बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, उसके पास कस्टमर कैसे आएगा? कोई चीज़ अगर किसी ने लेनी है तो दुकान पर कैसे आएगा, अब मुझे ये बताएं। और यहाँ पे ये देखें ये हाल है, ये नीवी की साइड है और एक इंसान है ये सामने बुज़ुर्ग खड़े हैं दुकान के पास। मैं उनसे जाकर थोड़ी सी बात करूँगा, पूछूँगा कि मसले मसाइल क्या हैं, इस पर थोड़ी सी बात करूँगा इंशाल्लाह। ये देखें बच्चे जा रहे हैं यहाँ से रास्ते से और किसी को कोई इससे वास्ता नहीं है कि ये इतने दिनों से जो है ये इसका बुरा हाल है। जी बाबा जी आप कुछ कह रहे हैं? ये तो इसको तकरीबन एक दो महीने हो गए मैं देख रहा हूँ। हाँ, जो अच्छा, तो ये आपको जो है कितना प्रॉब्लम हो रहा है आपके जो दुकान पर? तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आपके सामने तो जगह ही नहीं है खड़े होने की, तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। और यहाँ से तो अभी ये बिल्कुल ड्रेन्स जो है बिल्कुल बंद है, बुरा हाल है। यहाँ पर कंसर्न जो भी KMC है, मुतलका इदारे हैं, वो आके सफाई नहीं कर रहे। सामने कॉलेज भी है, कॉलेज में आने वाले बच्चों का कितना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा उनको। तो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र भी नहीं सकती हैं खैर सही तरीके से। यहाँ से भी मुझे उस रास्ते पे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा उस गली में? मुझे बहुत दूर से घूम कर आना पड़ेगा क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखिए बाइक पे लोग जा रहे हैं तो इनको कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बाइक पे जाने वाले लोगों को। जी जी जी, मुतलका इदारों का कहना है कि जो पंप इस पानी को साफ़ करता है वो जल गया है, ख़राब हो चुका है। तो CM सेन साहब से गुजारिश है कि ये पंप वगैरह सही करवाएं। आप तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे लेकिन आपके शहर का ये हाल है अंदर से। अभी बारिश तो नहीं हुई है खैर, आज 8/7/2024 है, बारिश का इम्कान था लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो पहले से ये हाल है तो बाद में क्या हाल होगा, खुदाई अल्लाह ताला खुदाई बेहतर करेगा इसका। 3 हफ्तों से बाबा जी कह रहे हैं कि पंप जल गया और अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ये बाबा की ज़ुबानी है। हालांकि नेवी वालों ने इनको जो है कंप्लेन भी दी हुई है और वो पंप भी दिए हुए हैं, लाइन भी दी हुई है, नहीं चला रहे पंप, बाबा जी का कहना। थैंक यू।